बड़ा कमी होने वाला है। इसी बीच आमंत्रित करता हूँ यादव और अंधवस्त्र लेकर के पहले का कष्ट करा हमारे बीच श्रीराम तथा वर्मा के साथ विराम बसंतपुर के ठेकेदार आप आए और विभिन्न शहर के द्वारा सम्मानित करने का क्रम ये सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद विभिन्न शहर के द्वारा सम्मानित करने का सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करते हुए अब मैं संचालक संस्था को आदेश करता हूँ कि आप जो है एक कार्यक्रम और चलवाए, उसके बाद फिर सम्मानित करने का कार्यक्रम इसी बीच बीच में चलते रहेगा और बच्चे और आए हुए और दर्शक आगंतुक आनंद भी लेते रहे और यहाँ सम्मानित करने का भी कार्यक्रम चलता रहे। इसी बीच में बच्चों को सुधार के रूप में हमारे आगंतुकों के द्वारा दो दो शब्द कहने का भी मौका मिलेगा। जो भी आगंतुक द्वारा आया हुआ है आप भी किसी को भी सुधार के रूप में शब्द बोलने का इच्छा होगी आपको अवसर दी जाएगी। संचालक महोदय आप अपने कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। रबर की लाश जिसको रीजन के स्थान से आज मैं जमा जा रहा है देख लीजिए कितने स्थान से, देख लीजिए कितने स्थान से। जी हाँ, अभी कड़ी में आएंगे हसने हसने के लिए शानदार नाटक प्रस्तुत करेंगे निन्न निन्न बच्चों के द्वारा अनपढ़ का जितने भी अध्यापक हैं महोदय जन यहाँ पे स्टूडेंट भी देख सकते हैं खचाखच भरे पड़े हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जी हाँ, जो है काम करते हुए हमारे विद्यालय के शिक्षा के मामले में एजुकेशन के जो है हमारे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित श्री नंदलाल प्रसाद मंच पर पानी का निर्माण कर रहे हैं। हमारी भाई गौतम देवी आप दोनों लोग जो हमारे पानी का निर्माण कर रहे हैं उनको सभी लोगों को बोला गया था उनके हिसाब से लोग आप बधाई दें। सम्मानित करते हुए मेरे श्री नंदलाल जी को हम बदल के नजर आए हर जगह टकराएगा। समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को सम्मानित करने के बाद नाम श्री आनंद पाल चौधरी जी उपस्थित रहना समय नहीं है अंश राजा आज करना है कर बोलते भारत माता की वार्ता भारत माता की वार्ता। यहाँ दिग्विजय नाथ यादव जी को सम्मानित करने के बाद माननीय श्री सोनी जी को सम्मानित करते हुए हमारे समस्त अध्यापकों को सम्मानित करते हुए ऐसे जवानों से चुके हो जाओ, ऐसे जवानों से चुके हो जाओ, उपर तैयार हो जाओ, भक्तम पर करनी मरने को अब तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। यहाँ माननीय श्री सोनी जी को सम्मान करते माननीय श्री आनंद पाल चौधरी जी वीडियोग्राफी का काम करते हुए हमारे नन्हे नन्हे छात्र
प्रेम से जुड़े हुए हमारे सम्मान साथी, मैं हिंदू है, मैं हिंदू है, मेरा ईसाई है, मेरा मुसलमान है, भारत पाकिस्तान की खातिर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी जान भी कुर्बान है। जहां लोकर में हमारे सम्मानित अध्यापक माननीय बहादुर जी को सम्मान देते हुए माननीय आनंद पाल चौधरी जी तालियां बजाते हैं, सभी छात्र छात्राओं के खातों के कर्तव्य सुनाई देनी चाहिए। श्री चंद्रिका प्रसाद जी को सम्मानित करते हुए हम सभी के गुरु गुरु पिता तुम गुरु अगले क्रम में अपने विद्यालय के अधिकार कर्नाटकों को सम्मानित करते हुए सम्मान समारोह के बाद एक शानदार रिकॉर्डिंग आप सभी जनपदों में देखने को मिलेगा। सुनानी सहानी के द्वारा नमन नमन छात्रा बहुत ही सुंदर गीत होगा, फोटो के लाल लाए हुए हम बतल के ना गया है, हमसे जो कर जाएगा वो हमारी छोकरों से खाक भी मिल जाएगा, खाक भी मिल जाएगा। शानदार कार्यक्रम चलता हुआ सम्मान समारोह का हमारे समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को सम्मानित करते हुए श्री आनंद पाल चौधरी जी अगले क्रम में सम्मान करते हुए बस इतना तो बता दो चिट्ठी आई कहां से ना बता सकता हूँ चिट्ठी आई कहां से है। ये चिट्ठी कश्मीर सैनी विभाग से आई है। सैनी विभाग से? हाँ हाँ, पिछले महीने मेरे बेटे का पोस्टिंग हुआ है कश्मीर में। लो मैं चलता हूँ। ठीक है, देखो मेरी लल्ला की चिट्ठी आई है। हमारी लल्ला चिट्ठी आई है, बताइए तो इसमें क्या लिखी है। मैं तो थारा अंतर गया, मुझे क्या पता चले कि इसमें क्या लिखी गई है। चिंता क्यों करते हो, हमारे गांव के जमींदार साहब है, उनसे जाकर चिट्ठी पढ़वा लाओ। ठीक है ना, मैं अभी जाता हूँ जमींदार साहब से चिट्ठी पढ़वा कर लाता हूँ। तो कैसे आने होगा, आजकल गाँव पर नहीं आते हो साहब? आजकल तबीयत भी ठीक ठाक नहीं रह रही है। ओ बेटा तो फौज में चला गया ना, तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं। नहीं नहीं साहब, आजकल तबीयत सही नहीं रह रही है, आप बुलाएं और मैं ना आऊं। अच्छा ठीक है, अब बताओ किस काम से आए हो? पूरे गांव वाले जानते हैं कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर से सैनिक विभाग से, उसी को करवाने लाया हूँ। तुमने क्या हमको लौटा समझ रखा है कि मैं तेरी चिट्ठी पढ़ूंगा? चल कर यहाँ से, मालिक वाले के काम का भी तुम्हारे हाथ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा, पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताइए। जाओ जानवरों के लिए कुछ चारे रखे हैं, जाओ उन्हें पहले काट दो। ठीक है, काट देता हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए, पूरा काम खत्म हो गया? नहीं साहब, सुबह से मैं कुछ भी खाया नहीं हूँ, एक रोटी मिल जाए तो अच्छा होता। कुछ नहीं मिलेगा, जब तक सारा काम खत्म करके आओ तब मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। अरे क्या हुआ, काम खत्म हो गया? हाँ साहब, काम खत्म हो गया, थोड़ा जमींदार साहब से मिला देते तो अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, ये तो आराम करने गए हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे गांव में बनिए भाई भी पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के पास जाकर चिट्ठी पढ़ा देता हूँ। भैया राम राम साहू, हमारी गाड़ी का सितारा है।
छुपा देंगे, छुपा देंगे। मेरा बेटा गया फौज में आएगा तो छुपा देंगे। अच्छा छुपा देना, आज के लिए हो कुछ भी नहीं। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर से सैनिक निवास, उसी को पढ़वाने लाया हूँ। ला पढ़ देता हूँ। अरे ताऊ, मेरी नजर बड़ी कमजोर है, बिना चश्मे को मैं पढ़ नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम को मैं घर से चश्मा लेकर आता हूँ, तब तक कोई अंदर रख दो। ठीक है, रख देता हूँ, थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक है, मैं अभी गया, अभी आया। हाँ भैया, सारा सामान रख दिए, आप तो चिट्ठी पढ़ दो। अरे ताऊ देखो ना, रामू की मम्मी पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम कह रहा मैं चिट्ठी पढ़ूंगा। ठीक है भैया, कल ही आऊंगा। अरे वो रामू के बापू, आप बात है बताइए तो, चिट्ठी क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। करो क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बताओ, जमींदार साहब के पास भी गया और बलिए भाई के पास भी गया। उन्होंने कहा कि कल आना, कल हमारी चिट्ठी पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं खाना देती हूँ, तुम खाकर सो जाओ, कल सवेरे जाकर चिट्ठी पढ़वा लाना। ठीक है। अरे ओ रे मुख्य बापू, सुबह हो गई, उठ जा, जाकर चिट्ठी पढ़वा लाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और तो क्या है, सुबह कहाँ जा रहे हो? बेटे, मेरे बेटे का चिट्ठी आई है कश्मीर से सैनिक विभाग, उसी को पढ़वाने जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ। तो इतनी तो जानकारी जानते हो, लाओ मैं पढ़े। तुम पढ़ दोगे? तुम पर तो मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा आशीर्वाद है ना, वही दे दे। जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो। रुको, मैं अभी रघु की अम्मा को बुलाता हूँ। ए रघु की अम्मा, ए रघु की अम्मा, देखो ये बेटा हमारी लल्ला की चिट्ठी पड़ेगा। ए हमारी लल्ला की चिट्ठी पड़ेगा। जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो। श्रीमान बंसीलाल जी, गरीब आपका बेटा श्री रघुवीर सिंह कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नहीं नहीं, ये भगवान का सत्य अधिकार किया रे, मेरे इकलौते बेटे को उठा लिया, तूने मुझे किसके सहारे छोड़ा है अल्लाह। नहीं नहीं, दुख नहीं है, नहीं नहीं है, मैं कैसे दूंगा। मेरे देश के लिए 10 बेटे भी शहीद हो गए तो मेरे कोई गल नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात की है कि तूने मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि मैं अपने बेटे की चिट्ठी तक पढ़ सकूं। जय हिंद, जय हिंद। आसरी में देखा अंतर्वाद अगली करिए, आसरी में रिकॉर्डिंग आपके बन ले सकते हैं। आज के बाद उसके अंदर वो चीजें रहेगी और घर के आएगी, वो आगे चल करके बहुत अच्छा काम करेगी, आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहता हूँ संचालन आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सम्मान को करी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, वासी छत्तीसगढ़ तथा दूर दूर से आए हुए आगंतुक व भाई बहनों, आप लोगों के समक्ष हम एक शिक्षा की प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटि है उसे क्षमा कीजिएगा। जिंदगी एक काली थी कि जिंदगी एक काली थी, ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भाव था। गुरु में संसार समाया, उनका है राज छुपाया, प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का स्थान बताया। गुरु वरुण ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरु वरुण ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में सना, प्रभु ने भी खुद से गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
अभी हम